भीलवाड़ा जिला परिषद प्रमुख शक्ति सिंह हाडा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चूरू जिला प्रमुख हरलाल सहारण की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। साथ ही राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और न्यायपूर्ण कार्रवाई करने के साथ ही जांच अधिकारी बदलने की मांग की है। वही मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। ये सत्ता मद में चूर जो कांग्रेस की सरकार है और उसके नेता हैं, उन्होंने राजनीतिक विद्वेषता से हमारे जिला प्रमुख चूरू को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके मुकदमे हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है और उनकी जांच भी पेंडिंग है। उन पर जांच अधिकारी बदलने का हमने बार बार लिखित में दिया, लेकिन विद्वेषता की वजह से न जांच अधिकारी बदले गए और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उनको दोषी मानकर उन्होंने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी में भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसका विरोध करने और इसका रोष प्रकट करने के लिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। अगर इसके बाद भी न संभले तो फिर हम आगे और कुछ विचार करेंगे। जिस तरीके से राजस्थान की सरकार काम कर रही है उसका नतीजा तो लोकसभा चुनाव में वो देख ही चुकी है, लेकिन आज ज्ञापन के स्वरूप हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से अगर राजस्थान सरकार राजनीतिक द्वेषता से प्रेरित होकर काम करती रही तो जल्दी ही ये जन आक्रोश सड़कों पर उतर आएगा और राजस्थान सरकार के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में प्रेरित होकर राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेगा। कि जिस प्रकार से उच्च न्यायालय में जांच लंबित है, पंचायती राज में जांच लंबित है और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार नहीं कर सकते।